उद्घाटन भाषण में भी साथी सोन ने बताया कि बुर्जुआ पार्टियों में जो पूंजीपति वर्ग की पार्टियों का चरित्र समझने की जरूरत है। जिस तरह समाज में दो तरह के वर्ग हैं, उसी तरह पार्टियां भी दो वर्ग हैं। पूंजीपति वर्ग की जो पार्टियां हैं वो नीचे से चुनाव उनमें ऊपर से नॉमिनेशन होता है। सोनिया बनावेगी, किसने प्रधान बनावेगी, नड्डा बनावेगा हरियाणा का प्रधान, अब क्षेत्र पार्टियां में है चौटाला बनावेगा या कितने नायडू बनावेगा, कितने करुणानिधि, कितने अखिलेश बनावेगा, मायावती बनावेगी। ये मजदूर वर्ग की पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी समय सीमा तय कर रखी है, 3 साल में सम्मेलन करेंगे। नीचे से ऊपर तक सम्मेलन का मतलब है हम अपने काम की समीक्षा और नई कमेटी का चुनाव ये करते हैं। और बात करने से पहले जो साथी राम निवास का सवाल था, वो जाति का इस तरह नाम लेना कोई ठीक नहीं है, ठीक बात उन्होंने जो कराया। लेकिन हम जिन सामाजिक तबकों से आ रहे, जिन में हमारा भी प्रभाव है कम्युनिस्ट पार्टी का, वह सामाजिक तबकों का चाहे ओबीसी है चाहे ओएससी है, अलग अलग जातियां होने के बावजूद भी बड़ा हिस्सा आज इस आंदोलन पर पहले तो घना बड़ा खड़ा था, इस आंदोलन के बाद भी
एक हिस्सा बीजेपी के साथ खड़ा है। कौन सी कौन बीजेपी? वह बीजेपी जो गरीब लोगों के हक अधिकारों पर कट लगाई, जो जात के नाम पर मैं वाल्मीकि हूं मेरे पांच अवरोध ये न्यू कह के तुम तो भगवान राम के टाइम पे भी यू काम करया कर दे, बहुत बड़े मानस हो, 100 रुपये तनखा बताई और मशीन आ गई सीवर में तो मल काटने की मशीन नहीं ओड़ा आदमी ने बाटा, मतलब ये बाकायदा उनका जो थ्योरी है, जो उनका दर्शन है, मनुस्मृति संविधान ने सब तक पहले चलाने वाले बीजेपी वाले थे, ये आरएसएस के लोग थे। वे यूं कहते महाराज का संविधान मनुस्मृति है, मनुस्मृति जो सीन यू कह ढोल सुदर पशु और नारी ये सब पीटन के अधिकारी, और सत्ता में थे राजस्थान हाई कोर्ट में मनु महाराज की कास्टल चुला था, या जो आपकी वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर या वह बीजेपी, और इसमें काली मांगने की जरूरत नहीं है, कोई 1000 की बात नहीं है। जड़ाम बिहार विकर सेक्शन में वह पॉलिटिकली तौर पर खड़े हैं बीजेपी के साथ, एक गांव की बात नहीं है, टोटल देश की बिहारी हो उसका है, जड़ा उनकी अपनी पार्टियां हैं, यूपी में भाई पिछड़िया की पार्टी है मुलायम कह और यादव को नहीं बीजेपी कर रहा है भाई, एससी में जड़ा जाटव अपनी नेता मान रहे हैं मायावती ने, वहां बड़ा हिस्सा बीजेपी के लगभग होगा, लेकिन बीजेपी ने जाटव और यादव अदल जो बैकवर्डर एससी है उन पर काम कराया, उन तक टिकट दी, वो बड़ा हिस्सा उस पर गए, या सच्चाई इसने मान लिया ना मान, कोई एक आड़ा इस कपूर का कहना है पूरी जात का विश्लेषण आड़ा इस काम में है जिसके आप हो, और जिस बरादरी का कपूर ने नाम लिया बड़ा हिस्सा भर गए लखड़े है, मरण मारने ने तैयार है, हर एक्शन ने लागू करे, जिसने काम की सफाई काम के पटे पढ़नीय वाल काम है, पहले दूसरा नंबर पाने वाले का वजीफा, जिसने गांव में घर घर जाकर पार्टी खाते को इलेक्शन करी वह उन्हें मार गए खड़े हैं, लेकिन पूरा नहीं आने के लिए यह स्थिति है, या तो रखल होगी बात इस पर, और आज आप सम्मेलन जिस समय पर कर पिछले बार सम्मेलन कर बीजेपी थी रात आड़े भी दिल्ली में, जब बीजेपी हरियाणा में एक ही राज में उदिन की राज की स्थिति आप समझनी पड़ेगी, आज वह पॉलिटिकली तौर पर हरियाणा में कमजोर हुई है, और आने तक की कमजोर हुई इस आंदोलन के चलते देश के गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को बुला के न्यू कहना पड़ा, लोग में जाओ ना टाला करो, 3 महीने तक बीजेपी फैसला करके लोग दूर रही, लेकिन आंदोलन लंबा चल गया, वह बार बार अब सैंपल भर भर देखे, जैसे आपका करनाल का है, टुहाने का है, हिसार का है, इवन जींद का है, लोग पाचर पाचे और सरकार आराध, यह स्थिति पैदा हुई है, और ये भी राज में बैठा है दुष्यंत, अभी हमारा भवन निर्माण का डेलीगेशन बात करने गया था, उन्हें कहा भाई मुख्यमंत्री ने कहा था कोरोना में 5000 रुपये दूंगा, बोला भाई आज इसने कहीं पूछता पूछो, इसका मतलब कंट्राडिक्शन है, और इस कंट्राडिक्शन में हमने अपने जनसंगठनों को एकताबद्ध करते हुए आंदोलन में तारना पड़ेगा। या साथियों के सवाल आए, आपने कहा कि भाई भिन्न में मीटिंग होनी चाहिए 8 घंटे की, मेरी ब्रांच की मीटिंग हुई कितने दिन हो गए, मैं गांव बता रहा हूँ ऑर्डर है, मैंने सोचू जो काम सेक्रेटरी का है, हर पार्टी मेंबर का काम है यू, भिन्न में ब्रांच की मीटिंग उस ब्रांच का क्षेत्र में कौन से कौन से जनसंगठन बन सके, यू उस ब्रांच का कार्य क्षेत्र बने है, उसका यू काम बने है,
कि आना कौन कौन से जन संगठनों का निर्माण हो सके, किसे डाल के लोग रहे, क्या क्या उनकी तकलीफ है, हम के हस्तक्षेप करा या ओड़ा चर्चा कर लेंगे तो आप मतलब कमजोर नहीं है किसी तरह। इसे कोरोना के टाइम में और कोई पार्टी राज आली भी पार्टी या काल राज में दिया कर काने की बात करे, इससे न भी भाई लाख रुपये खर्च नहीं करे होंगे लोगों के खातिर। और केंद्र बन रहा था यू या लाल बिल्डिंग कोरोना के टाइम पे किसी ने भी बिहार में यूपी में बंगाल में मध्य प्रदेश में जाना था तो सारा शहर में या चर्चा थी ओडा जाओ ओडा तो मेरा लाग गया। वह 6 लाख का सामान इकट्ठा कर आप लोग थे जलाल मराले ने जाजवान आले ने पहले करी गांव में सारे गांव में इकट्ठा कर या आपके काम की पत्रिका है। अरे वह का वीडियो हमने न्यू कह के महाराज और कुछ मनसा की लिस्ट है तब नाशन दे दो वीडियो क्या या केवल कम्युनिस्ट पार्टी ने कराया काम यू या सीटू ने कराया फिर हमारे जन संगठनों ने कराया महत्वपूर्ण भूमिका थी हमारी जो यूथ अभियान है ये सारे साथी जब इनके काम धंधे बंद हो रहे थे अकेले ने सम्मान 1000 रुपये इकट्ठे करे सम्मान 1000 जुड़सा एसडीएम न्यू कहता कि थारा में 188 की कार्रवाई करूंगा उसने फिर यह कहनी पड़ी कि भाई तो महिंद्रा जी पावे इसने कोई ना रखी बाकी तो मोटरसाइकिल भी कौन लेकर दे दे हमें तेल आटा चीनी चावल इसका मैं घटकर जाना थे एक दिन है बस केवल रानी तालाब पर रोक के दे नीचे रोक के प्रशासन में या प्रतिष्ठा थी के असल में ये करने लागे विषय पार्टी ने तरह कमजोर होते और भाई दूसरा जो है मैं मिर्चिन की ब्रांच में गया बड़े से रियाउदन जोड़ है जिसका मैं मारे कर है मारे में का सरपंच है चढ़ांद मारा सारा गांव में के और जो है वह कोई तो खोती नहीं सीट धर कर पाइप का मुंह जोड़ में कर दिया गंध मतलब यू केवल है बला जी सब ने इसका मैं छोड़ रखा है मैं लिख के जो दो लाइन लिख कर दी थी और जाके वीडियो बंद करा का पानी लिख दिया करना चाहिए हम स्थानीय सत्र पर मेरी गाल में खाता हो रहा मैं दूसरी गाल बदल के जाऊं मेरा गांव में राशन नहीं मिल रहा मैं उम्र का राशन लेना मैं कट के जाऊं बिजली नहीं आंधी बिजली की समस्या है तार जलाल पराले साथिया ने दिया हाथ में तार नीचे दे अब वो मेरा ख्याल बदले गए नीचे गए जो भी काम हमारा हमें ले स्थानीय सत्र का और गांव की बसासत के बीच में जाजवान में किसी ने कुर्ता खोल दिया आई बात आपने करे कुर्ता उठा लेकिन हमें ओडा मारी पहचान काफिया रहती है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की पहचान यू कितना दान दिवाड़िया है यू पर्ची काटनिया है कामरेड की बहुत कम साथियों की पहचान है और वह पहचान आपने करनी पड़ेगी मारे कौन से सी हम भी राजनीति कर सके आगे हम भी सोचा राजनीति करना बड़ी गाड़ियां का बड़ी हेलियां का बड़ा ब्योताल का काम है मूंग की करने लग गया हमने मारा लगी कर ली है तब के तो मारे फातू है हमें इस काम में कोड़ा गांव में बैठ कर एजेंडा बनाएंगे तो बनेगा और भाई इसने एजेंडा बने के आगे बढ़ोगे तो जन संगठनों का निर्माण या भी जो हमारी मेंबरशिप है आठ साढ़े 8000 की है लेकिन समस्या के मेरी गांव की इकाई की मीटिंग उस इकाई की मीटिंग नहीं होगी तो पार्टी का निर्माण नहीं हो सकता उस इकाई की मीटिंग करके उनमें आप एहसास करावा तो नई भक्ति हो जाएगी लिखे पड़े हैं नाम महाराज तैयार है जो बैठे घना काम करनी है बाहर है हम पार्टी में भर्ती नहीं कर सकते एक टाइम पर कुछ मनसा के नाम लेकर पार्टी में भर्ती कर लिए उनकी हम शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सके
वो कमजोरी है दोनों। घने निंदा लाग रहे हैं उन्हें भर्ती नहीं कर सके, जो भर्ती हो रहे हैं उनका चेतना का सतर कमजोर है, उन्हें सहने नहीं कर सके। और आज तो युवा है भाई, अब जो हमारा जिनमें काम बने है हमारा पयू हो गया कुछ सुधार है जमा। फसला सम्मेलन करीब कंपाल देखोगे तो सोशल मीडिया का कुछ काम दिखाई दे, ये सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है जो बीजेपी नाराज बने है। अब इसके खिलाफ जान लाग रहा है तो वो ऐसे प्रकरण के पार्लियामेंट में इसके खिलाफ कानून बनाने की इसकी सीमाएं तय करने के लाग रहे हैं। लेकिन हम तो हमारी पार्टी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तकनीक माम सब ताका परंतु प्रयोग नहीं करें। प्रयोग आज आप तय करा कि हर ब्रांच का अपना एक ग्रुप बन जा और उस ग्रुप में आधा लोकल कमेटी का ग्रुप बन जा जो रोज का घटनाक्रम रोज के मुद्दे रोज की बात डालता रहे। साथी ने कहा कि उनकी तो वीडियो चली जाए, यू आधा हजारों लोग जुड़े छोड़े करा। लेकिन हम अपनी पार्टी का नारा जनसंगठनों के नारे एक ग्रुप गांव की ब्रांच का बना हुआ, उस ग्रुप में नीचे तो गांव की समस्या गांव के मुद्दे ये ऊपर आ रहा है, ऊपर था भाई को आंदोलनात्मक गतिविधि करनी है या को। अब हमारे मध्य प्रदेश की पार्टी पूरा इस पे मार्क्सवाद पे 200 वीडियो वो जो ऐसा उसके नाम साथी का प्रजापति है प्रजापति 200 वीडियो डाल रहा थी आप हमने सुना, बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है उसका। लेकिन उन्हें कौन सुन दे? अब जैसे हमारी कोर्ट ब्रांच बहुत महत्वपूर्ण मतलब दिशा देने वाले एक घने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करे इस ब्रांच की पुरानी विरासत देखोगे हमारा तो मुकदमा बन गया, एक वकील का चोट लागी भट्ठे पर, बार ने फैसला कर लिया कि इनका कोई वकील नहीं होगा। हमारे साथी ने बोले तारी बाढ़ में जाओ या बाहर आमे रांगे मजदूर आगे। अरे भाई बीएसपी के भी थे, अरे उस टाइम पर लोकदल राज में था कांग्रेसी भी थे, कोई नहीं बोला, केवल कामरेड अरे किनका मित्र उषा सिंह लाठर ये मानस थे जिन्हें यूं कहा हम इस बार के मेंबर रखो ना रखो कारी मर्जी हम मजदूरा के वकील बना के फरी में मुकदमे लड़े रहे भाई बरी कराए कदे चारा ने का लालच। कोर्ट में जज ने बोला कागज ले आओ, ने बोला या मेरी कोठी और मैं जमानती कामरेड में अंदर ये कागज रहे बोल मैं ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। और वह ब्रांड से अभी भी ये जो नए कानून है चाहे खेती के कानून है चाहे आपका यू हरियाणा की सरकारी भी ले आई जमीन ने बिना अगले की परमिशन के अधिग्रहण कर लेंगे देश से को प्राइवेट सेक्टर तक देनी पड़ो बेसक सरकारी सेक्टर तक देनी पड़ो हम अगले की कंसेंट बिना भी उसने का अधिग्रहण कर सका इस डाल के मुद्दे में चर्चा हो सके। मरिए आई एन यू नए वकील भी आ गए दो तीन साथी और आ गए को पार्टी में है को था बाड़ा अपने को खुलशे वाला छोरा भी ला गया बैठने और अपना यू वीरेंद्र जांगड़ा आसीन नई एक वकीला की भी आ गई हमें तेरे आई एन यू का तरफ बटे यू काम लेना चाहिए। लेकिन उसका खातिर टाइम नहीं बनता और यू आंदोलन यू जो लंगर है 1.25 करोड़ रुपये भाई खर्च कर चुके हम आप 1.25 करोड़ का सामान 26 लाख नगद रुपये आप ये अंदाजा लगाओ कि 26 लाख नगद रुपये लोगों ने दिए अरोड़ा खर्च हो हमारी ताकत ना तो घना बड़ा काम नहीं है इससे हमारी प्रतिष्ठा लाल झंडा और लेकर जा करते नुका करता नहीं करता नहीं दे। आज वो किसान लोग कहें कि इस आंदोलन ने कोई चलाया है तो लाल झंडा राज्यवाल की वीडियो किसी ने सुनी हो ने बोला कि मैं 90 साल का हो गया सबसे बड़ी उम्र है मेरी और मैं मान्या करता बेरा नहीं क्या ही है कम्युनिस्ट लेकिन अब मैं बढ़िया तो बेरा लग गया भीतर तो बजाइए एक एक अक्षर पर एक एक शब्द पर लड़े न्यू नहीं होना चाहिए बाहर आकर सारे हंसते
यू आंदोलन ने दिशा को दे रहा है तो ये कम्युनिस्ट दे रहे हैं, ठीक दिशा को दे रहा है तो, नहीं तो अभी लगता बिखर जाता। राज्यवाल सबसे बड़ी उम्र का सबसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित रहता है उनका, उसने भी यह बात कही। तो हमारा जो प्रभाव है, प्रभाव बहुत है। और आड़े जिंद की पार्टी का भी भाई आपने न्यू कंधे तो पा जाएंगे कि भाई ये कामरेड कारखाना बंद कराओ, या कंधे तो पा जाएंगे लेकिन न्यू कड़िया मशा पाओगे ये रोड मार आप रोज की आमदनी रोज का हिसाब डेली डालते हैं, फिर भी न मैं करा हूं और फिर भी काम आए किसी ने सब हो तो आके देख या बाकी है तो नहीं थोड़ा खटखट टोल पर है तो भी हम बद्दोवाल टोल पर प्रक्रिया यही है, लेकिन आड़क को कटाड़ा था आड़क को कह नहीं सकता। यह जो स्थिति है, इस स्थिति में आज जो हमारा अगला जो काम है, एक तो वो जो दो तारीख थी स्टेट सेक्रेटरिएट में एक तारीख तय कर दी, एक किसान की हत्या कर दी वहाँ करनाल में, उसकी डेथ होगी, डेथ तो हार्ट अटैक से होगी लेकिन अभी और वामपंथी पार्टियों ने मीटिंग करके अभी ऑनलाइन और तय कराया कि एक तारीख में प्रदर्शन की जाए, एक ही तारीख को हमारा मनरेगा का प्रदर्शन है, उसकी किसी तैयारी है तड़के का दिन है भाई जरूर करो मनरेगा दो। मैं आप साथियों का भी बता दूं, मनरेगा 2013 में 221 रुपये दिहाड़ी थी मनरेगा की, 199 थी न्यूनतम मजदूरी, 22 रुपये ज्यादा। आज मनरेगा की दिहाड़ी 315 है, न्यूनतम दिहाड़ी 371 है, 48 रुपये तो ये कम। और एक साल पहले तक 5 किलोमीटर दूर जा कर दे तो दिहाड़ी का 10% किराया मिला, 31.5 रुपये हुए बने 48 और 31.5, तो और फिर 10% ज़्यादा जो हो गए 371 का तो भाई 37.5 रुपये हुए, 116 रुपये तो दिहाड़ी में कटौती। और भ्रष्टाचार है आड़माड़ी गांव का एक मामला है, मतलब मैं अपने माँ की अपने बाबू की अपनी भाभी की अपने भाई की हाजरी तो रोज की ला रखी है और बाकी की कद किसी की 6 दिन किसी की 5 दिन हमारे भी साथी नेट है। एक जो बात है वह हमने भी नोट करनी चाहिए, करा के हमारा आसपास के मानस हैं जो उनका एक दायरा बना दिया, उन्होंने खाते काम की दरखास्त किया, उन्होंने काम जो फिर हमारे विरोध भी पैदा, बाकी लोग कहें यू बलराज है नहीं अपने कुर्बा के चले जा रहा है महाराज नामे नहीं आने दिंदा, वो आपका विरोधी हो गया तो आपके विचार का आपका संगठन का भी इसको हमें तोड़ना चाहिए। हमें ये कई गांव हाड़ है, पटाना है भैया छोटी सामणो है खम्मा केड़ी है जड़ा एक सर्कल बना लिया 50 आदमियों का युग है, 50 का आग लगे 50 का आग लगे और लगभग के जो काम करनी है 100 दिन पूरे करा दे, ऐसा ही हमने अपनाना चाहिए। और 50 पे एक मिनट है हमें दोषे लाए ना एक ले रही जावा फिर इंसाफ नहीं होता ना किसी की कमाई ठीक लिखी जाती, फिर काम कराएंगे 15 दिन 12 दिन और पीछे आवेंगे 8 दिन के साथ फिर वो भी मारा वरना आ जाएगा यू काम। और भाई फिर अगला है कि अपना जो जिले का सम्मेलन है वो आड़े होगा जींद की या जो लोकल कमेटी है इसके जिम्मे ज़्यादा काम आएगा, अपन है उसका काम दाम और संभालना भी, उसमें खर्चा पानी भी 2 दिन का होगा तो 10-15 हज़ार रुपये खर्चा होगा। आप अवेरिया कमेटी की मीटिंग करके लोकल कमेटी की मीटिंग करके और यू करा कि अपन यू करना है और केवल जन संगठनों की कमेटियों का संचालन और मासिक मीटिंग यू कर लिया और भाई विशेष ध्यान कॉलेज यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटियों को तो इसमें रिपोर्ट में भी दर्ज करा दिया है बीजेपी ने इसे डाल प्रयोग कर दिया जाने का दफ्तर उसकी स्वायत्ता खत्म ओड़ा कून लाना है कून हटाना है किस विषय पर कून वक्ता बुलाना है आरएसएस के लोगों का अड्डा
भारी भ्रष्टाचार है, भर्तिया में भी रोला है, और भाई विचार के तौर पर वह भगवा का शिक्षा का भी करने लाग रहे हैं और इन सेंटरा का भी करने लाग रहे हैं। ओड़ा मारा जो छात्र मोर्चा है अभी कोरोना से निकले हैं, उसका तीसरी लहर भी आवे, और भाई आड़े तो तमाम कलेश के बावजूद हमारी टीम 10 दिन नीको करा रहे इस कोरोना के टाइम में भी। जावा कई साथी डॉक्टर में बात तो ला दे राखा सावधानी रखने की भी, लेकिन करी कोशिश करनी भी थी ये हाथ साफ करने का मास्क का इतना कराता, परंतु भाई आवा जब घर पटिया कभी आ जाए डिटा तो कोई नहीं, लेकिन या तीसरी लहर भी आवेगी तो भी इसका मुकाबला आप करा, और मुकाबला होगा और सदर है काम करते हुए। मैं तो या उम्मीद है मैंने कि अगला सम्मेलन बापा जब मिला तो डबल ताकत के साथ हमारी लोगों ने इकट्ठे करने की भी, अपनी को थोड़ी ताकत नहीं है इस टाइम पर, मतलब हम जितनी गैदरिंग कर दें ये तो पीछे भी दे आवे, साधन भी दे आवे, मनमान पेटी भी दे आवे, फिर भी मानस नहीं आते, और हमारे लोग आप साधन कर आवे दिहाड़ी तोड़ आवे, बहुत ज्यादा सैक्रिफाई हम करा। और आपका यू जो सफल सम्मेलन हुआ है इसके लिए फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए, मैं मेरा ख्याल बहुत बात होली तो इसको मेरा बात वक्तव्य को ख़त्म करूँ, और भाई 2-3 बात मैं फिर जिन पर जोर दूँ, मासिक मीटिंग और अखबार महाराज हो रहा है तो हम कहने ने तो कहाँ कुछ अखबार आ रहे, लेकिन भाई बड़ा हिस्सा तड़प रहा है आड़ा दफ्तर में साथी पट देखो ने। खुद जो देख आने वाले हैं एक लेख भी पूरा नहीं पटते, कड़क में लगा या तो लड़ाई से लगा या यू हमारा मास्टर है पार्टी बहुत बड़े नेता इस पर टाइम ला के लिख के भेजे हैं, वो इसलिए भेजे के बारे तक लेके में सीख ले, और हम उसमें अनदेखी करते हैं। कई बार कहते हैं इसके शब्द कठिन है, कठिन शब्दों से बचाएंगे तो भाई वहां आएंगे समझ में, उनका कह रहे उड़ना ही पड़ेगा जब समझ में आवेंगे, पढ़ना और पढ़ाना। फिर भाई इसका यू जो सोशल मीडिया है आज हमारे पास है एक्सपर्ट, लेकिन वे भी टूटे टूटे हिलाते भाई रोंदे जावर मर जाएगा मेरा रहो या हालत आप जब थोड़ा हौसला चला जाओगे इस काम के तो ये 2-3 काम है, एक तो ग्रुप बनावा, एक मासिक मीटिंग करा, एक हमारे जनसंगठनों की कोई भी इकाई बकालेज की सफाई की इकाई, एक आम छात्रा की मीटिंग, एक आपकी चुनी हुई कमेटी की मीटिंग, गांव में भवन निर्माण की मीटिंग करने तो जावा और प्रेस वर्ग जावा कमेटी की मीटिंग, आंगनवाड़ी का मतलब प्रदर्शन है हजारों तो आगे उसकी ब्लॉक कमेटी की मीटिंग, उसकी सर्कल कमेटी की मीटिंग, ये कोई नहीं, यही आसान है, यही मिड डे मील में है, ये नहीं करा तो फिर वह उन जरूर बोलना परसों हमारे मिड डे मील की मीटिंग कर लेते, हमारी तो जगह की सेक्रेटरी बना रखी है, उसने इसी बात कह दी, मतलब शाम में बैठी सारी सारी जगह में जो थी वह लागनी थी, मैं मेरे खुद का तकलीफ हुई, मैं बोली मिड डे होता मिला पेंशन भी ले तन किया तनख्वाह था उसने मिड डे मील दो दो तनख्वाह ले मिला, ये तो कमाए मौत ले रही है समझ कर ले उनकी, अगर हम बैठ कर मीटिंग नहीं करानी तो फिर बात कर, इसलिए और इसमें बहुत संभावनाएं खोली, इसका मैं भी दर्ज है रिपोर्ट में भी, इस आंदोलन में मतलब आज मिडिल क्लास में किसानी में आपकी बात सुनी जाए, मेरे मिडिल क्लास के लोग वकील लेक्चरर प्रोफेसर रिटायर्ड अफसर थोड़ा जाकर काम भी करावे हैं, और भाई योगदान या स्थिति को नफे सिंह कुंडू है पट्ठे में सीरी हुआ करता, हमने तो निपा करता सारा देश बंद करा दिया इब और के कराओगे, मैं उन्होंने सोचा करता यू पट्ठा बहुत खराब है, लेकिन इसमें हम नजदीक आए, हमने उसका पता लग गया ओ अकेला मानस है जो ने खड़ा होकर यूं कहे भाई ईमानदारी है तो इनका पल्ला है बाकी चोर खुला होकर कहे, और ये चलास के इस लंगर में बाकी करें बकवास, अब हमने पता लग गया
मिडिल क्लास कहने भी मारा अब मतलब स्वीकार्यता बढ़ी है पहले का मुकाबला, और जरा आप चुनौतियाँ हैं वहीं हमारे लिए बहुत संभावना खुली है, और आप इन संभावनाओं को वो पंचायत चुनाव वाला पक्ष छूट गया नहीं आया आप मेंबर पंचायत बनावा दिख जो भी हमारा मेंबर हो कई काम रहे सज्जन था हमारा करेटी में पंचायत मेंबर था लेकिन सारी पंचायत उसके शुक्र दरा वजीर था हमारा जिला आठ अगर वोट सारे पर्सन खा लिए मैं गया उन्होंने लेकर दिनेश यादव था इसलिए मैं बोला के बात इस था राड़ा का गात नहीं लागे आओ हम आ गात लागे सारे तेरे वर्गी है सुपो वजीर ने बोला भाई अपने गात नहीं लाग सकता आप लोगों ने जिता रखे हैं और लोगों के प्रति नहीं दिखाएंगे और ने बोला भाई कामरेडो इसके लिए तो बोला मेरी लाख बाज है वो करप्ट आदमी था लेकिन बोला तो कदे आए वजीर ने बोला तेरा काम नहीं मिला तो ये आपने जो उस तरह की इमेज थी वह करनी चाहिए और आप देखेंगे अभी जो है मतलब खट्टर कर जेजेपी का न्यूज एजरी है क्या जीतो को नहीं आप जाए तो चुनाव निकला रहे हो नंदा पाना उन्हें और लोग बढ़ने तो दिन देखो नहीं को न्यू नहीं कह सकता आड़ पंजाब में किए ना उनकी टैक्टर कौन पकड़ी बीजेपी की यही हालत आड़े हो गई है इसलिए वो बच रहे तो ओडा विधानसभा का चुनाव सिर्फ पकड़ा था सैंपल भर के देखो यूपी में वो सैंपल में हरा दिया लोगों ने दो की आई रहा है या जारी बात है कि वो फिर जो समाजवादी पार्टी के बीएसपी के भी जो जीत रहे थे उन्हें खरीद कर डरा कर धमका कर अपने चेयरमैन बना के लेकिन लोग यही है को अपने न्यू कह चुनाव नहीं बिटिया कि भाई सबसे पहली प्रतिक्रिया सीपीएम की है चुनाव जिस दिन गले करे कि भाई जानबूझ के लोगों का जो जनतंत्र में हिस्सेदारी का सवाल है उसको ये कमजोर कर रहे हैं और चुनाव करा जा रहे हैं पर आपने कहते नहीं और आप चुनाव की जड़े भी अपनी है पार्टी का एक तो समीक्षा है कि भाई ये कच्चे मनसान है हमें चुनाव लड़ा कर बड़ी जिला परिषद का जो मोहन तो टिकट दे दिया जीत गया कमजोरी दिखाई बड़ी कमजोरी उस तरह का नोटिस में है बात के हम नए साथियों ने अभी जिनकी का मतलब सांचे पर खेल गए उनको हम इस तरह टिकट ना जा तो ही ठीक है नहीं तो बदनामी ही मतलब हमारा इतना बड़ा दाग आड़ा दिन में पहले नहीं था किसी पर लोग ने करा पापा ने पार्टी से निष्कासित करना पड़ा तो ये तो समीक्षा है पार्टी की बाकी कोई पंचायत चुनाव है आप भाग रहे हो ऐसी स्थिति नहीं है आप जैसे भी अपनी वोट गुंजाए उसके अनुसार लड़ेंगे और इस सफल सम्मेलन के लिए आपको फिर मुबारकबाद देने के लिए मैं बात करूँगा।